10 ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसकी वजह से बैंकिंग, परिवहन, आईटेक समेत विविध क्षेत्रों के कर्मचारियों ने इस हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांग रखी है। साथ ही मोदी सरकार के कामकाज नीति का निषेध करते हुए संविधान चौक पर सभी संगठनों ने मिलकर हड़ताल में शामिल हुए हैं। कामगारों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को देशव्यापी हड़ताल में राज्य कर्मचारी, बैंक, राज्य सरकारी कर्मचारी और कामगारों के विभिन्न संगठन, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षकेतर संगठन समन्वय समिति भी इस हड़ताल में शामिल हुए थे। बुधवार के दिन आज जो है विविध क्षेत्रों के जो कर्मचारी है आज देशव्यापी हड़ताल पर है और आप देख पा रहे हो संविधान चौक पे जो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हो बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे विविध जो है क्षेत्र से कर्मचारी आए हैं और भारी मात्रा में अपनी मांग को लेकर आज वो इकट्ठा हुए हैं और मोदी के विरोधी नीति जो है जो उनकी नीति है उसका विरोध करने के लिए आज सभी क्षेत्रों से जो है कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मोहन शर्मा जी है, वो ऑल इंडिया अध्यक्ष है ऑल इंडियन यूनियन ट्रेडर्स के, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आज उनकी मांगे हैं, सभी क्षेत्रों के कर्मचारी आज इकट्ठा हुए हैं, क्या बताओगे? भारत के 10 केंद्रीय कामगार संगठनों ने 12 सूत्री डिमांड्स के लिए संगठित असंगठित कर्मचारियों के जो मांगे हैं जो कई साल से केंद्र सरकार के सामने, खास करके जब से मोदी सरकार का केंद्र सरकार में स्थापत्य हुआ तब से ये मांगे अनिर्णित है, प्रलंबित है और इस पर कोई बातचीत ये सरकार नहीं कर रही और इस पर कोई उसका कोई फाइनल अंतिम निर्णय नहीं हो रहा। इसके खिलाफ आज पूरे देश में ये 10 केंद्रीय कामगार संगठन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था और उसको सभी क्षेत्र से, संगठित और असंगठित क्षेत्र से लाखों लाखों कामगार कर्मचारियों ने इसमें भागीदारी कर इसको यशस्वी किया है, सक्सेसफुल किया है। आज यहाँ पर नागपुर में सारे उद्योग के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, LIC के कर्मचारी, आंगनवाड़ी की महिलाएं, आशा कर्मचारी, कंट्राटी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, ये सारे के सारे सेना के BMS को छोड़कर बाकी सारी संगठनों के कर्मचारी इस हड़ताल में आज शामिल हुए और आज तक इस देश में जितनी भी हड़तालें हुई वो हड़ताल की तुलना में ये एक गजब और अभूतपूर्व हड़ताल आज ये देश भर में और नागपुर में हो रही है। ये हड़ताल की खासियत बोले तो इसमें सिर्फ कामगार कर्मचारी नहीं तो खेतिहर, किसान, खेत मजदूर, ये सारे भी रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में सारे के सारे आज हड़ताल में है और हड़ताल को बंद का स्वरूप पूरे देश में और महाराष्ट्र में आज दिया गया है। इतने बड़ी मात्रा में जो ये हड़ताल की गई है, एक दिवसीय हड़ताल है, लेकिन मांग पूरी होने पर क्या आगे की आपकी नीति रहेगी, क्या बताओगे? जिस तरीके से पूरा भारत इस सरकार के नीतियों के खिलाफ उबल रहा है, असंतोष से उबल रहा है और जिस तरीके से सारे देश में इस असंतोष का जाहिर प्रदर्शन हो रहा है, निश्चित रूप से अगर इस सरकार ने अपनी नीतियों में बदल नहीं किया, कामगार कर्मचारी, संगठित असंगठित क्षेत्रों के सारे यूनियन के कर्मचारियों को अगर न्याय नहीं मिला तो ये समझ लीजिए कि ये सरकार भी नहीं रहेगी और ये सरकार के खिलाफ में और इससे भी बड़ा आंदोलन इस देश में होना ये बिल्कुल निश्चित है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे भी बड़ी हड़ताल या इससे भी तीव्र आंदोलन जो है देश में हो सकता है, ऐसा भी यहाँ कहा गया है। इस हड़ताल में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के इंटक, इंटक, आईटक, HMS सेटू, TUCC, सेवा, एक्टिव, AIUTUC तथा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय स्वतंत्र फेडरेशन एसोसिएशन शामिल हुए थे। साथ ही जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के जिला नागपुर के अध्यक्ष गोपीचंद कातुर ने कहा कि बीते कई सालों से कर्मचारी भर्ती नहीं हुए हैं, वह होने चाहिए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू हो और कई मांगों को लेकर आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। देशव्यापी हड़ताल में आज जो है करीबन 10 से ज़्यादा जो है संगठनाएं शामिल हुए हैं। हमारे साथ जिला परिषद मध्यवर्ती संगठना के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मांग उनकी है और आज वो हड़ताल में शामिल हुए क्या कहेंगे। मेरा नाम गोपीचंद कातुरे, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ जिला शाखा नागपुर का प्रेसिडेंट हूँ। हम ये मांग लेके यहाँ पे आए हैं, जो हमारे जिला परिषद कर्मचारी हैं, अभी कर्मचारियों में कम से कम 30% पद खाली है, कम से कम जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उस पर मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तो हमको कहना है कि अभी
कम से कम 7-8-10 साल हो गए तो गवर्नमेंट ने जिला परिषद में भर्ती नहीं की, तो भर्ती होना चाहिए, ये मेन बात है। दूसरी बात है जो 2005 के बाद में कर्मचारी जिला परिषद में नौकरी में लगे हैं उनको जो अंशदायी पेंशन योजना है, तो अंशदायी पेंशन योजना में उसकी जो फैमिली है वो कवर नहीं होती है, वो रिटायर होने के बाद उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, 40% वो देने वाली है लेकिन वो 2000-3000 रुपये उसको पेंशन मिलेंगी, 2000-3000 पेंशन में उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि जो पुराने कर्मचारी हैं जिनको नियमित पेंशन मिलती है पुरानी पेंशन वो सब कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ये एक मेन बात है। दूसरे जिला परिषद में बहुत सारे अभियान चालू है, जैसा नेशनल हेल्थ मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, पानी पुरोड़ा मिशन है, ये मिशन में जो कर्मचारी लगे खासगी तौर पर लगे हैं उनको कम से कम 10,000-12,000 रुपये गवर्नमेंट मानधन देती है, वो मानधन से उसका कोई फैमिली चलने वाली नहीं है। हमका कहना ये है कि कम से कम उसको रेगुलर पद पे लिया जाए जी, उससे कम से कम उसका घर चले, उसको पगार पर लाना चाहिए, वेतन पर लाना चाहिए। तीसरी मांग है। चौथी मांग है हमारी कि जो तकरीबन कितनी मांगे हैं हमारी, करीब 31 मांगे यहाँ पे लेके हम आए हैं सब सवर्ग संगठनों की। क्या बताओगे अगर मांगे पूरी न होने पर आगे की क्या आपकी नीति रहेगी? मांगे पूरी नहीं हुई तो आज एक दिन का संप है, अगले बार हम 3 दिन का संप करेंगे, उसके बाद में बेमुदत अनशन पे जाने वाले हैं। जब तक गवर्नमेंट कोई हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं करती तब तक हम ऐसा ही संप अनशन करते रहेंगे। जब तक जैसे हमने 7वें वेतन आयोग में हमको ना मिले तो हमने क्या किया था, तो 3 दिन का संप किया था, उसके बाद में इमीडिएट उन्होंने 7वें वेतन आयोग चालू किया और जनवरी से हमको ये 7वें वेतन आयोग दिया। वही तरीके से एनपीएस बंद करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देशव्यापी संप हर बार करना पड़ेगा, तो हर बार हम सब कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, जिला परिषद मजदूर, क्षेत्र मजदूर, जो कामगार, असंगठित संगठित सब एक में आके ऐसा ही देशव्यापी संप करेंगे, तभी हम दबाव लाएंगे, तभी हमारी मांगे पूरी हो सकेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन के सहित हर बार हड़ताल करने का इशारा भी दिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज नागपुर। अस्पताल में कंट्राती स्वरूप से नर्स, टेक्निकल कर्मचारी क्लास 3, क्लास 4 की भर्ती की गई थी, लेकिन सेवा से बेदखल होने का डर हमेशा इन कर्मचारियों पर रहता है, इसलिए सेवा में नियमित किया जाए, साथ ही समान वेतन समान काम की मांग को लेकर इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। ऐसा NOHM के DO कम अकाउंटेंट रोहित भोईटे इन्होंने कहा है। देशव्यापी हड़ताल में जहां सभी क्षेत्रों के कर्मचारी यहां सम्मिलित हुए, वैसे ही जो है नर्स जो है वो भी यहां पे है, अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी, क्या बताओगे किन मांगों को लेकर आज इस हड़ताल में आप शामिल हुए? एक तो यहां पे जितने भी लोग हैं वो सारे कंत्राटी कर्मचारी है, ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। 2016 में जो NHM में जो जगह निकली थी उसमें सारे जो ये क्लास 3 के जितने भी पोस्ट है, क्लास 4 के जितने भी पोस्ट है उन लोगों की भर्ती की गई थी, लेकिन हमारे ऐसा कि 11 महीने का कंत्राटी हमें बॉन्ड मिलता है और उसके साथ हमें एक दिन का ब्रेक दे के फिर रिन्यूअल ऐसे मिलता है। तो हमारा ऐसा कहना है कि हमें नियमित किया जाए, जो वेतन सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उस ग्रेड पे से हमें वेतन दिया जाए, जो भी बाकी जो भर्तियां है वो बंद करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जितना भी कुछ TADA या जितने भी अलाउंसेस है वो हमें लागू किए जाए। जॉब सिक्योरिटी, मतलब आज ऐसा होता है कि हमें धमकी दी जाती है कि आपका 11 महीने का बॉन्ड खत्म होने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, 5%, 10% इनकम, अब 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस वेतन श्रेणी में काम करने वाले हम लोग हैं। हमारा एजुकेशन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और हमारे मुताबिक जो भी परमानेंट कर्मचारी है उनको वेतन 5 गुना ज़्यादा है। तो हमारा कहना ऐसा है कि हमें परमानेंट ना किए लेकिन हमें वेतन समान काम हमें लागू किया जाए। एक दिवसीय जो देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, अगर मांग पूरी ना होती है तो आगे की क्या नीति रहेगी आप देखते? अभी इसमें तो हेल्थ वाले है, बैंक वाले है, इंश्योरेंस वाले है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग है, तो जैसा ऊपर से जो भी ऑर्डर आएगा वैसे हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा कहना ऐसा कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी काम का जो कार्यभार का जो भार है वो हमारे ऊपर है, कंत्राटी कर्मचारी इसका मतलब आप सारा कुछ हमारे ऊपर देंगे और जो भी मानधन है वो बाकी लोगों से कम देंगे, तो ये सही नहीं है। आज की युवा शक्ति जो है, आप बोलते कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए, वो डेवलप होने चाहिए एजुकेशनली जो है, तो वो होना चाहिए ना यार, ये 10,000, 5,000, 6,000 अगर मिलेंगे तो कैसा करेंगे? मोदी जी बोलते हैं कि नहीं, युवाओं का देश है, बहुत ज़्यादा युवा यहाँ पे है, तो
करना चाहिए ना हमारे लिए कुछ ना कुछ। सारे युवा युवा है यहाँ पे, 25, 22, 25, 26, 27, 28 साल के सारे युवा है, तो उनके लिए कुछ करना है सरकार ने, ऐसा मतलब हमारा कहना है। सरकार ने युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए ऐसी इनकी मांग है। कई मांगों को लेकर आज हड़ताल में जो है शामिल हुए, और ये एक दिवसीय हड़ताल से यह मांग पूरी हो ऐसी भी आशा इनकी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़।